225 नंबर गीत गाएंगे, विश्वास, केवल रख विश्वास। 225 प्रभु मुझे और आपको स्ट्रेंथन कर रहा है अपने वचनों के द्वारा, बेसिक बातों के द्वारा। बेसिक बात क्या है? फेथ। आमेन। मरकुस 11 में भी हम लोग देखेंगे उसने यही कहा, और मरकुस 11 22 से 24 के बीच में जो लिखा है उसी पर विचार कर रहे थे ब्रदर ब्रैनम, जबकि वो आ गया और इसने कहा, तूने कहा था मुझे 3 गिलहरियां चाहिए, कहा नहीं कहा, तो फिर जाता कहां है? गो बैक टू स्पोर्ट्समैन हॉलो एंड देयर यू गो एंड स्पीक। आज हम उस टाइम पर हैं जबकि हमें रिहर्स कर लेना है, जबकि हमको थोड़ी सी तैयारी कर लेनी है ताकि हम बोलें और वो चीजें हों। केवल रख विश्वास यीशु पर, केवल रख विश्वास, केवल रख विश्वास यीशु पर, केवल रख विश्वास, केवल रख विश्वास पर, केवल जायरस ये कहा यीशु ने, जायरस केवल रख विश्वास, केवल रख विश्वास पर, केवल रख विश्वास, केवल रख विश्वास पर। हजारों दिन का मुर्दा हो तू, हजारों दिन का मुर्दा हो तू, चाहे हो दिन का चार, केवल रख केवल रख विश्वास, केवल रख विश्वास, चाहे हो तेरी मझधार में नैया, चाहे हो तेरी मझधार, कोई करेगा पार, केवल रख विश्वास यीशु पर, केवल रख विश्वास, केवल रख चले और चेले सा, चले और चेले सा, नाव पे चढ़ के जाते थे वे झील की परली पार, हवा चली तूफान जब आया लगी बचाओ यीशु जी महाराज, तूफान को तब डांट तमाया किया था मौसम साफ, डांट तमाया किया था मौसम साफ, जेलों से तब कहा यीशु ने, जेलों केवल रख विश्वास, केवल रख विश्वास यीशु पर, केवल रख विश्वास, केवल रख विश्वास यीशु पर, केवल रख विश्वास यीशु पर, जायरस ये कहा यीशु ने, केवल रख विश्वास, केवल रख विश्वास, केवल रख विश्वास।
एक और दिन की बात बताऊं लाजर का बीमार, मरता मरियम बहने थी और यीशु था जिसका यार, घबरा कर तब बहनों ने था यीशु को भेजा था, फिर भी आने में यीशु ने लगा दिए दिन चार, लाजर की तब कबर पे बोला यीशु चीख पुकार, बंधा हुआ तब लाजर आया, बंधा हुआ कबर से था बाहर, जीवल रतु हालेलुया ग्लोरी रख विश्वास चूकर, हजारों दिन का मुर्दा हो तू, चाहे हो दिन का चार, केवल रख विश्वास चूकर, केवल रख विश्वास चूकर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। एक दिन ये घटना घटी थी भाई प्रणम के साथ, प्रभु के दूत ने आकर उनसे बोली थी ये बात, मुझे ये गाना बहुत पसंद है कि केवल रख विश्वास, सब कुछ बिल्कुल संभव है बस केवल रख विश्वास, यीशु मसीह यहीं पर है बस केवल रख विश्वास, रख विश्वास, तब से सब एंड टाइम बिलीवर्स, तब से टाइम बिलीवर गाते हैं ये गान, केवल हालेलुया, केवल रख विश्वास, केवल रख विश्वास चूकर, केवल रख विश्वास, केवल रख विश्वास चूकर, केवल रख विश्वास, चाहे हो तेरी मझधार में नैया वही करेगा पार, केवल रख विश्वास चूकर, केवल रख विश्वास चूकर, केवल रख विश्वास, केवल रख विश्वास। हालेलुया, सब कुछ संभव है, ओनली बिलीव, only believe, all things are possible unto him that believeth। मरकुस की इंजील उसका 11वां अध्याय 22 से 24 आयत तक, मरकुस 11। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि खुदा पर विश्वास रखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा,
इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। नाउ ये प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें करने की जरूरत है। ये सिर्फ सुनने से नहीं होगा, ये सिर्फ सुनने से नहीं होगा। सुनने को तो बहुत लोगों ने सुन लिया, 20 दफा सुन लिया और सब मालूम है, जानते हैं। नॉलेज से नहीं होगा, बट की नॉलेज जो वचन की है उसको कन्फेस करने के द्वारा होगा। आमेन। यदि कन्फेस नहीं किया तो फिर ये चीज सामने निकल के नहीं आएगी। इसका इफेक्ट कैसे है? जब आप कन्फेस करते हैं तो आपके कन्फेशन के ऊपर महायजक है, वो काम करता है। हालेलुया। और तब पर वहां से चाबी घूमती है और सामने उद्धार प्रकट में आता है। ये लेसन सीखना है, खासतौर से अब जबकि अंतिम दिनों में ये तमाम बातें बुराई की सामने हैं और आगे आएंगी। इनमें से निकलने के लिए, उद्धार प्राप्त करने के लिए सामर्थ की जरूरत है। ये सामर्थ कैसे ऑपरेट होगी? तो पता पड़ा, सामर्थ के लिए बोलना है। आमेन। वचन में सामर्थ है, लेकिन अगर ऑपरेट करोगे तभी बोलेगी। आमेन। तभी ऑपरेट होगी अगर बोलोगे तो, और बोले नहीं तो सामर्थ तो है लेकिन काम करेगी नहीं। आपका अगर विश्वास होगा और विश्वास के साथ कन्फेशन होगा तो फिर महाजक वहां से ऑपरेट करेगा। आमेन। वचन केवल बाइबल ही में नहीं है, बल्कि वचन बुक में है, किताब में है, और किताब में थंडर्स हैं। और थंडर्स क्या हैं? थंडर्स क्या हैं? अरे एक आध कोई थंडर बताओ। इतने दिन हो गए सीखते सीखते, कोई पकड़ में आया हो थंडर? नहीं। नबी ने कहा मैसेजेस में थंडर है। क्या है थंडर यार? द वॉइस ऑफ गॉड व्हेन द सील ओपन। और थोड़ा और सिंप्लीफाई करें इसको, थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो पता पड़ा, जो बाइबल में नहीं लिखा हुआ। यार सो क्या है जो बाइबल में नहीं लिखा हुआ? वो कहेगा थंडर हैं जो नहीं लिखे गए।